हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन बाग अकेडमी स्टूडेंट्स। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। एज यू नो, हम लोग आप लोगों का साइंस टू में आप लोगों के ऑलरेडी जो 6 चैप्टर्स हैं बायोलॉजी के स्पेशली, वो मैं आप लोगों को रिवाइज कर चुकी हूँ। आप लोगों को ऑलरेडी सारे रिकॉर्डेड सेशंस की वीडियो मिल गई होंगी, राइट? तो 6 चैप्टर्स का रिविजन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बताई थी और ऑलरेडी जो रिड्यूस पार्ट है वो तो है ही है, और मैंने अपनी तरफ से भी कराया था। नेक्स्ट जो चैप्टर आप लोगों का है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। मैंने होप आप लोगों को याद हो, लास्ट चैप्टर में मैंने आप लोगों को 6 में बताया भी था कि आप लोगों के साइंस 2 में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर या कह सकते हैं वेटेज वाले चैप्टर हैं, वो 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th और 8th, ये बहुत ही वेटेज वाले चैप्टर हैं, राइट? फोर्थ में आप लोगों का टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, एनिमल क्लासिफिकेशन, ठीक है, इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म वाला है। और 6th में आप लोगों का काफ़ी सारे चैप्टर, यानी कि नेक्स्ट अब आप लोगों का जो सिर्फ जो 2 चैप्टर बचे हुए हैं वेटेज वाले, वो है 7th और 8th चैप्टर। और जो आप लोगों के नेक्स्ट आएंगे 9th और 10th, इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है, क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन ज़्यादा वेटेज वाले भी हैं, ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन उनमें से नहीं पूछे जाते। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। देखिए, यहाँ पर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, उनके एंजाइम्स होते हैं, उनको हम लोग अपने किस किस फील्ड में अप्लाइड कर सकते हैं, राइट? तो उसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी। इसमें भी आप लोगों की 2 तरीके की होती हैं, एक होती है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, एक होती है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का मतलब होता है, हो सकता है आप लोगों की 2 मार्क्स में डेफिनेशन पूछ ली जाए, दैट व्हाट इज अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। तो अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी है कि हम लोग यहाँ पर जितने भी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, हम इनको जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या करते हैं, अप्लाइड करते हैं या फिर उनके बारे में स्टडी करते हैं। अप्लाइड का मतलब क्या होता है, किसी चीज में कोई कहाँ चीज इस्तेमाल हो सकती है, अप्लाइड हो सकती है, यही होता है अप्लाइड का मतलब। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि जब कभी भी हम प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, प्रोटीन्स, इन सब के एंजाइम्स की स्टडी करते हैं और पता लगाते हैं कि वो हमारे जेनेटिक्स, मॉलिकुलर बायोलॉजी या किस अदर ब्रांच में वो हम लोग अप्लाइड कर सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। इससे कुछ नहीं पूछा जाएगा। देखो, जो पैराग्राफ कट है, जो आप लोगों का जो पैराग्राफ में कट करवा रही हूँ, वहाँ से आप लोगों को कुछ नहीं पूछा जाएगा, वहाँ से आप इजिली विदाउट एनी टेंशन उस पैराग्राफ को कट कर दो। सिर्फ यहाँ से यहाँ तक 2 मार्क्स की डेफिनेशन पूछी जाएगी, इनफ है। एक होता है आप लोगों का इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। इंडस्ट्रियल में तो आप लोग जानते हैं कि इंडस्ट्रीज में क्या है, हम लोग बहुत सारी प्रोसेसेस को परफॉर्म करते हैं, न्यू प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अप्लाइड में सिर्फ अप्लाइड करवाया, वहाँ कोई हमें प्रोडक्ट या प्रोसेस नहीं करी। इंडस्ट्रियल में इसका उल्टा ले लो कि हम लोग जितने भी माइक्रोब्स हैं, राइट, चाहे हम उसका जो यूज है इकोनॉमिक, सोशली या इन्वायरमेंटली किस तरीके से करते हैं, और उसके बदले में हमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिलते हैं, यही होती है हम लोगों की इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। ये भी डेफिनेशन हो सकता है 2 मार्क्स में आपसे पूछ ली जाए, दैट व्हाट इज इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। एक ऐसी साइंस जहाँ पर हम लोग माइक्रोब्स का यूज इकोनॉमिकली, सोशली, इन्वायरमेंटली किस तरीके से कर सकते हैं, क्या प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे, सो दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। जैसे हम लोग यहाँ पर इंडस्ट्रियल हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ने ही नहीं वाले। अप्लाइड में सिर्फ अप्लाइड कर दिया, वहाँ ना कोई प्रोसेस परफॉर्म हुई, ना कोई प्रोडक्ट परफॉर्म हुआ, तो उसे पढ़ने का कोई सेंस भी नहीं है। तो हम लोग यहाँ जो मेन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, कि उसका उसमें जो हमारे काफ़ी सारे माइक्रोब्स होते हैं वो हमारे कहाँ कहाँ यूज होते हैं, जैसे कि ब्रेड में, चीज़ बनाने में, वाइन बनाने में, केमिकल्स बनाने में, बहुत सारे आर्टिफिशियल एंजाइम्स बनाने में, न्यूट्रिशन, मेडिसिन, गार्बेज मैनेजमेंट और पॉल्यूशन कंट्रोल, यहाँ हम किस तरीके से डिफरेंट माइक्रोब्स का यूज़ करके इन सारी चीज़ों को प्रोड्यूस कर सकते हैं, और पोल्यूशन और हमारे गार्बेज को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों का यहाँ पर आता है डेयरी प्रोडक्ट्स। एक चीज़ और बता देती हूँ आप लोगों के रिड्यूस्ड पार्ट में, सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक है, इम्प्रूव्ड वाले तक, बाकी इसके अलावा आप लोगों का
पूरा का पूरा डेयरी प्रोडक्ट्स रिड्यूस्ड है। सिर्फ कितना करना है, सिर्फ इतना, दो पैराग्राफ, पूरा एक पैराग्राफ है ना, सिर्फ यहाँ तक करना है डेयरी प्रोडक्ट्स में। उसके अलावा ये जो मैंने कट किया है ना, ये इतना पूरा कट है, आपको नहीं करना। एंड वी नो दैट कि रिविजन में हम लोगों को रिड्यूस पार्ट करना ही नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए दैट हम लोगों को पता है डेयरी प्रोडक्ट्स में मिल्क का यूज होता है। डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब जो मेन सोर्स हुआ वो तो मिल्क हुआ, और मिल्क को पुराने ही समय से पता नहीं कितनी सारी चीजों में, वेरियस प्रोडक्ट्स में बनाया जाता है, जैसे कि चीज, बटर, क्रीम, कैफिर, योगर्ट, राइट। यानी कि जो हम लोगों का वाटर कंटेंट और एसिडिटी होती है मिल्क की, वो हमारे जो अदर प्रोडक्ट बनते हैं लाइक चीज, बटर, मिल्क, योगर्ट, उसके टेक्सचर, टेस्ट और फ्लेवर सबको क्या कर देती है, चेंज कर देती है। यानी कि आप एक मिल्क का यूज करके कितने सारे प्रोडक्ट्स विद टेस्ट, टेक्सचर एंड फ्लेवर के साथ प्रोड्यूस कर सकते हैं। बस इतना था, और मुझे नहीं लगता कि डेयरी प्रोडक्ट्स में से कोई क्वेश्चन आएगा। मैं तो ये कहूँगी पूरा डेयरी प्रोडक्ट्स छोड़ दो, मेरा तो यही मानना है पूरा डेयरी प्रोडक्ट्स छोड़ दीजिए। मैंने मैंने आप लोगों को बता दिया है, ये तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, मुझे तो बताने की भी जरूरत नहीं थी। तो पूरी डेयरी प्रोडक्ट्स, अगेन आई एम रिपीटिंग, जस्ट लेफ्ट दिस होल टॉपिक डेयरी प्रोडक्ट्स कट है। इसमें ये थोड़ा ना लिख के आएगा मिल्क से क्या क्या चीज बनती है, वो तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है, इसमें क्या याद करना, कुछ माइंड में भी सेट होनी चाहिए। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं योगर्ट प्रोडक्ट्स पर। ओके, देखिए यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन भी बनेंगे, इसके अलावा वन वर्ड के, एमसीक्यू के, 3 मार्क्स में प्रोसेस भी लिखने की जा सकती है। सो देखिए, लाइक योगर्ट इज अ मिल्क प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया। 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं से कि योगर्ट, हिंदी में बोलते हैं दही, पता है ना, दही किससे बनता है, मिल्क का प्रोडक्ट है, कौन से बैक्टीरिया का यूज किया जाता है, लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया का। 1 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक। For maintaining the protein content, condensed milk powder is mixed with the milk to be fermented for industrial production of yogurt. अब देखिए, यहाँ हम लोग घर की प्रोसेस नहीं पढ़नी है हमें, हम ये लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, कि इंडस्ट्रीज में किसी भी मिल्क प्रोडक्ट को, मिल्क से कौन कौन से प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर घर की प्रोसेस नहीं लगाएंगे, जो प्रोसेस इंडस्ट्रीज में परफॉर्म होती है हम यहाँ वो पढ़ेंगे। यहाँ पर ये लिखा गया है, देखो योगर्ट में हम लोगों को प्रोटीन का कंटेंट मेंटेन भी रखना है, ठीक है, और प्लस उसको योगर्ट भी बनाना है मिल्क को। तो इसमें क्या किया जाता है, जो मिल्क पाउडर होता है ना, मिल्क पाउडर के पैकेट आते हैं सबको पता ही है, उसको मिल्क के साथ मिक्स किया जाता है, ठीक है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस परफॉर्म होती है जिससे योगर्ट बनता है। देखो इसमें करते क्या है, मिल्क इज बॉइल्ड, सबसे पहले मिल्क को बॉइल किया, फिर उसको वंस इट कूल्स टू वार्म टेम्परेचर, फिर उसको थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा ठंडा कर दिया, लेकिन पूरी तरीके से ठंडा नहीं किया, थोड़ा सा वार्म रहने दिया। बैक्टीरियल स्ट्रेन्स और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोलियस एंड लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रूसी आर एडेड टू इट इन 1:1 प्रोपोर्शन। अब इसमें क्या किया, यहाँ पर हम लोगों ने 2 बैक्टीरिया का यूज किया, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइलस का और लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रूसी का, कितना, 1:1। हो सकता है आप लोगों को पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप लिखने के लिए आ जाए, तो सारी प्रोसेस आपको याद करने के लिए जानी है, यह बता देती हूँ आप लोगों को। देखिए अब यहाँ पर मिल्क में कौन सी शुगर होती है, लैक्टोज होती है। अब यहाँ पर मिल्क में लैक्टोज किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी, किसकी वजह से हो जाएगी, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया है उसने क्या किया, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में चेंज कर दिया, और हमारे मिल्क में जो प्रोटीन, राइट, उसको एकदम डेंस कर दिया, यानी कि एक तरीके से सारे के सारे प्रोटीन एक दूसरे से क्या हो गए, डेंस हो गए, एकदम से डेंस कंसिस्टेंसी में आ गए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर योगर्ट बोलते हैं, ठीक है। क्या किया, सबसे पहले मिल्क को बॉइल किया, फिर उसको वार्म टेम्परेचर तक ठंडा कर दिया, इसमें 2 बैक्टीरिया का 1:1 प्रोपोर्शन में यूज किया, एक था स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, दूसरा था लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रूसी। अब हमारे मिल्क में कौन सी शुगर होती है, लैक्टोज शुगर होती है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया क्या करता है, उस लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, और उसके अंदर जो प्रोटीन की प्रेजेंस होती है मिल्क के अंदर, उसको डेंस कर देता है, सारे प्रोटीन एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, और जब बहुत सारे प्रोटीन एक दूसरे से चिपक जाएंगे, जेल बन जाएगा, तो उसी उस कंसिस्टेंसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर योगर्ट कह देते हैं। अब यहाँ पर क्या है,
योगर्ट में जो टेस्ट होता है ऐसा अलग ही टेस्ट होता है ना, बड़ा बढ़िया सा लगता है, ये किसकी वजह से होता है? एसिटाल्डिहाइड कंपाउंड की वजह से। यहाँ से सिर्फ 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, नथिंग कोई लिखने के लिए आएगा, और जैसा राइट पैराग्राफ व्हाई योगर्ट हैज अ कैरेक्टर टेस्ट, राइट, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। जस्ट क्या आएगा बेटा कि योगर्ट में जो टेस्ट होता है उसका एक कैरेक्टर होता है वो किस कंपाउंड की वजह से होता है? एसिटाल्डिहाइड कंपाउंड की वजह से होता है। अब क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन जाएगा कि एसिटाल्डिहाइड कंपाउंड हमारे योगर्ट में किस वजह से फॉर्म्ड हुआ, तो वो हुआ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से। दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी सारे फ्रूट जूसेस हैं जो हमारे योगर्ट में मिक्स किए जाते हैं, बाहर जाते हैं ना हम लोग, काफ़ी सारे जूसेस हम लोग पीते हैं, तो आप लोगों ने सुना भी होगा स्ट्रॉबेरी योगर्ट, बनाना योगर्ट, बनाते हैं कि नहीं बनाते? तो यहाँ पर ये बहुत सारी अपने फिर वेरियंट्स हैं, हम लोग बाहर जाएँ क्या क्या खाएँ, उनका वो है कि वो क्या क्या बनाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हम लोगों का यहाँ पर बटर वाला। देखिए बटर में भी आप लोगों का कुछ नहीं आएगा, पूरा छोड़ दीजिए, मैं पढ़ाने को पढ़ा दूंगी, अभी रिवाइज करा दूंगी, 2 लाइन है मुझे क्या जाना है, पर बटर का पूरा छोड़ दो, कुछ तो बचाओ, कुछ तो टाइम बचाओ। मैं एक आप लोगों के लिए सेशन भी लेके आई थी जिसमें मैंने बताया था इन टॉपिक को पूरा पूरा छोड़ के चले जाना, एक क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा उसमें, तो यहाँ पर भी वही मैं बताऊंगी। देखो यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ बटर होते हैं, स्वीट क्रीम और कल्चर्ड वाले, लार्ज स्केल पर हमारे प्रोड्यूस्ड होते हैं एज ए डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, और इसको प्रोड्यूस करने के लिए भी बायोक्रोब्स का यूज होता है। सिंपल खत्म। अब इसमें क्या पूछे जाएंगे, कुछ नहीं क्वेश्चन आ सकता ना, पूरा छोड़ दो, मेरा काम तो रिवाइज कराना, मैं रिवाइज करा दिया, मेरा काम है छुड़वाना, मैंने छुड़वा भी दिया। नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पर चीज प्रोडक्शन पर। चीज प्रोडक्शन देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये तो देखिये देखिए हम लोगों का अगर हम लोग देखें एट प्रेजेंट टाइमिंग पर, तो चीज हमारी ना बहुत यूज होने लगी है, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होता है, लार्ज स्केल पर, और ये हमारी काउ मिल्क से ही ज्यादा प्रोड्यूस की जाती है, ये चीज का ध्यान रखना। जो बफेलो का मिल्क होता है ना उससे चीज प्रोड्यूस करना दैट्स इज हार्ड कह सकते हैं, लेकिन काउ के मिल्क से चीज का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है हमारे पूरे वर्ल्ड में लार्ज स्केल पर। फर्स्ट केमिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट ऑफ मिल्क आर परफॉर्म। इसमें सबसे पहले जो मिल्क होता है ना उसका केमिकल माइक्रोबायोलॉजिकल दोनों टेस्ट कर लेते हैं, कोई केमिकल की मिलावट, कोई माइक्रोबायोलॉजिकल कुछ ऐसा ऐड तो नहीं हो गया। सम कलर्स एंड माइक्रोब्स लाइक लैक्टोबैसिलस, लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस, क्रेमिसिस, स्ट्रेप्टोकोकस, थर्मोफिलस आर मिक्स्ड विद मिल्क। अब मिल्क का सब कुछ टेक्सचर वगैरह सब कुछ चेक कर लिया, अब इसमें जो बैक्टीरिया के नाम लिखे हैं ना, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस क्रीमोरिस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, इन तीनों बैक्टीरिया को किसमें मिक्स कर दिया, मिल्क में मिक्स कर दिया। इट इम्पार्ट सोरनेस टू द मिल्क, ये मिल्क को क्या कर देंगे, खट्टापन दे देंगे, सोरनेस। नाउ इम्पार्ट द डेंस टेक्सचर, और जो मिल्क है थोड़ा सा डेंस भी हो जाएगा, वेयर नीड्स टू बी रिमूव्ड। अब इसमें जो पानी होगा ना थोड़ा सा, जो पानी वानी आ जाएगा उसको निकाल देंगे, जब चीज कोई खट्टी होती है तो पानी भी छोड़ती है, तो पानी को क्या कर देंगे उसमें से रिमूव कर देंगे। एंड एंजाइम रेनेट, कौन सा एंजाइम बेटा, रेनेट कहाँ से मिलता है, एलिमेंट्री केनाल ऑफ केटल, केटल की जो एलिमेंट्री केनाल है ना उसके केनाल से ये रेनेट एंजाइम मिलता है, ठीक। एंड एंजाइम ये पहले यूज किया जाता था, ये पहले यूज किया करते थे चीज के लिए, बट एट प्रेजेंट हम लोग यूज करते हैं प्रोटीज, क्योंकि कैटल की एलिमेंट्री केनाल से रेनेट एंजाइम का निकालना मतलब बहुत ही टफ काम है, है बहुत ज्यादा, इतना टाइम वेस्ट उसमें करेंगे, तो सिंपल इंडस्ट्रीज ने क्या निकाला कि क्यों ना हम लोग फंजाई के एंजाइम प्रोटीज का यूज करें, ठीक है, जो कि वेजिटेरियन चीज बनाने में यूज होता है। कुछ लोगों ने ना जब रेनेट एंजाइम यूज होता था तो कुछ लोगों ने चीज खाना बंद कर दिया था, मना कर दिया था कि हम चीज नहीं खाएंगे, वाय, क्योंकि इसके अंदर जो चीज यूज एंजाइम यूज हो रहा है वो कैटल के एलिमेंट्री के नाल से निकाला जा रहा है, सो इट्स दे थॉट लाइक इट्स अ मीट, दे थॉट वी आर नॉट दे थॉट, सो उन लोगों की चीज़ों को देखते हुए, लोगों के कल्चर को देखते हुए, तो यहाँ पर फिर जो फंगस का जो प्रोटीज एंजाइम है उसका यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस अ वेजिटेरियन चीज। अभी हम लोगों ने देखा था दैट वाई सेपरेटेड फ्रॉम योगर्ट, जो दही था उसमें से पानी निकाल दिया, ठीक, पानी निकाल दिया पूरा। नाउ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ चीज इज स्टार्टेड थ्रू स्टेप्स लाइक कटिंग द सॉलिड योगर्ट इनटू पीसेस। सबसे पहले क्या किया, वो लोगों ने काफी सारे बैक्टीरिया को मिला के मिल्क को योगर्ट की फॉर्म में लिया।
योगर्ट में थोड़ा पानी पानी होता है, थोड़ा सा घर में भी देखा होगा, उस पानी को निकाल दिया, एकदम सॉलिड सॉलिड सा बचा। अब उस सॉलिड के यहाँ पर उन्होंने कटिंग कर दी, पीसेस कर दिए, छोटे छोटे आती हैं, छोटी छोटी चीज आती हैं, उनको वॉश किया, रब किया, उसमें सॉल्ट मिक्स किया और जिस किसी भी माइक्रोब्स पिगमेंट या फ्लेवर्स की जरूरत थी उसमें मिक्स कर दिया। देन चीज इज प्रेस्ड एंड कट इट इनटू पीसेस एंड स्टोर्ड फॉर राइपनिंग। फिर उस चीज को रख देते हैं, प्रेस्ड कर देते हैं, ठीक है, पतली पतली चीज होती है, प्रेस कर देते हैं, ठीक है, पीसेस में काट देते हैं ऐसे ऐसे करके, एंड देन राइपनिंग के लिए कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं। ये आप लोगों का पूरा कट है, ये आप लोगों को करना ही है, ठीक। उसके बाद आते हैं हम लोगों के यहाँ पे प्रोबायोटिक्स। पहले तो मैं यहाँ पर आप लोगों को प्रोबायोटिक्स का मतलब बता देती हूँ कि प्रोबायोटिक्स का मतलब क्या हुआ। देखिए प्रोबायोटिक्स का यहाँ मतलब होता है, प्रोबायोटिक्स का यहाँ मतलब है आप लोगों का कि हम लोगों के ऐसे मिल्क प्रोडक्ट्स या कोई भी फूड जो हमारे खाने में ऐड करे जाएं और फिर वो हम लोगों की डाइजेशन में काफी सारी बीमारियों को रिमूव करने में हेल्प करें। प्रोबायोटिक्स यानी बोलते हैं ना एंटीबायोटिक्स, सुना है, एंटीबायोटिक्स से रिलेट कर लो। एंटीबायोटिक्स का सिंपल मीनिंग पढ़ा जाए तो हम सिंपल बोल देते हैं अरे दवाई है, एंटीबायोटिक क्या है, दवाई है। प्रोबायोटिक में क्या है, यहाँ पर फूड प्रोडक्ट्स की बात करती है। प्रोबायोटिक में किसकी बात कर दी, फूड प्रोडक्ट्स की बात कर दी, लेकिन ऐसे फूड प्रोडक्ट्स या मिल्क प्रोडक्ट्स जिसमें ऐसे बैक्टीरिया का एडिशन किया जाता है जो हमारी बॉडी में डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई टॉक्सिक वाला बैक्टीरिया कुछ है, माइक्रोब है, तो उसको फिनिश करने में, उसको मारने में हेल्प करते हैं, या फिर कोई बीमारी है या कुछ भी है उसको रिमूव करने में हमारी बॉडी से हेल्प करें। दे आर प्रोबायोटिक, ये एक तरीके से मिल्क प्रोडक्ट्स ही होते हैं। अब इनके अंदर कौन कौन से बैक्टीरिया की प्रेजेंट होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। लैक्टोबैसिलस, एसिडोफाइलस, लैक्टोबैसिलस कैसी, बाइफाइडो बैक्टीरिया, बाइफाइडो, ठीक है। इनके अंदर दे बैलेंस द इंडस्ट्रियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ माइक्रोब्स हेल्पिंग द डाइजेशन एंड डिक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ हार्मफुल माइक्रोब। मैंने वही बोला कि ये माइक्रोब्स क्या करते हैं, हमारे अंदर जो इंटेस्टाइनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका बैलेंस करते हैं। देखिए हमारे इंटेस्टाइन में भी डाइजेशन के लिए या बहुत सारी चीज़ों के लिए ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस होती है, लेकिन कभी कभी वो खत्म हो जाती है। सो दैट्स वाई ऐसे फूड प्रोडक्ट्स बनाए गए प्रोबायोटिक्स जो हमारे इंटेस्टाइन में जाए और जो माइक्रोब्स हमारे डाइजेशन के खत्म हो गए हैं उनको दोबारा से रीग्रो करें, बैलेंस करें, ताकि हमारे डाइजेशन अच्छी तरीके से हो सके। और इसके अलावा हमारी बॉडी में कोई हार्मफुल माइक्रोब है जैसे कि क्लॉस्ट्रिडियम, उसकी भी पॉपुलेशन को डिक्रीज कर सके या मार सके पूरी तरीके से, ताकि हमारी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारे प्रोबायोटिक्स आते हैं, जैसे योगर्ट कहते हैं ना दही खाओ पेट अच्छा होता है, केफिर हुआ, पिकल ऑफ कैबेज, कैबेज का पिकल हुआ, डार्क चॉकलेट, मिसो सूप, पिकल्स, ऑयल, कॉर्न सिरप, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, माइक्रो एल्गी जैसे कि स्प्राइटूना, क्लोरेला, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये खाने से ना बहुत फायदे होते हैं स्पेशली फॉर आवर बॉडी। दीज प्रोडक्ट्स form the colonies of useful microbes in alimentary canal and control other microbes in their metabolic activities, improve resistance, lower the ill effects of harmful substance formed during metabolic activity। simple isme main bata deti hu likha kya hai ki ye jo hum logo ke microbes hote hain jo hame probiotics food se mile ye hamari alimentary canal mein jaate hain, hamari alimentary canal mein jo bhi other harmful microbes hain उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, कम करते हैं, हमारे रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करते हैं। अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई हार्मफुल सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है या उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पर है तो उसको भी कंट्रोल करेंगे, ठीक। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, हम लोग की बॉडी में ऑलरेडी वैसे ही जो माइक्रोब्स हैं ना जो प्रोबायोटिक्स फूड में डाले जाते हैं वो ऑलरेडी होते हैं, लेकिन क्या होता है हम लोग खाते रहते हैं एंटीबायोटिक्स। वो एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं, वो बुरे हार्मफुल जो बुरे माइक्रोब्स होते हैं ना, हार्मफुल माइक्रोब्स, उनको मारने के साथ साथ ना जो हमारे यूजफुल माइक्रोब्स हैं ना उनको भी इनएक्टिव कर देती हैं। भाई माइक्रो माइक्रोब्स होते हैं, अब एंटीबायोटिक को क्या पता ये अच्छे हैं बुरे, उसे नहीं पता, हो तो सबको मार डालती है। तो इसीलिए प्रोबायोटिक्स फूड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्टिव द यूजफुल माइक्रोब्स अगेन इन साइड आर बॉडी। इसके अलावा जो प्रोबायोटिक्स फूड है वो कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया एंड पोल्ट्री जो डिसीज हो जाती है उसके में भी हेल्प करता है। आ गया,
नेक्स्ट आता है हम लोगों का ब्रेड। देखो ब्रेड हमारी किससे है, हमारे जो फ्लो सीरियल्स होते हैं उसके आटे से बनती हैं, ये तो पता है ना। इसमें क्या किया जाता है, पहले डफ बनाया जाता है, आटे को गूंदा जाता है, फिर उसके अंदर जो ईस्ट पाउडर होता है जो कि सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस का पाउडर होता है ईस्ट का, उसको मिक्स किया जाता है। इसके अलावा वाटर, सॉल्ट और जितनी भी अदर चीज़ें हैं वो उस डफ में मिक्स कर दी जाती हैं। उससे वो कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है उस डफ को। घर में भी देखा होगा मम्मी वगैरह आटा मल के छोड़ देती हैं, फूल जाता है। सेम एज इट इज़ वही करते हैं, उस डफ को कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं और जो ईस्ट होती है उसमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस करती है, क्योंकि सीरियल्स में क्या होता है कार्बोहाइड्रेट, और ईस्ट को फर्मेंटेशन प्रोसेस करने के लिए किसकी जरूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की। अब हमारे डफ में जो शुगर होती है, ईस्ट ने फर्मेंटेशन की प्रोसेस करी और उस शुगर को कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में चेंज कर दिया। अब यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो भाई रिलीज होगी, वो तो टिकती नहीं है, वो तो गैस भी रिलीज होगी। तो जब डफ में से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है तो वो थोड़ा सा फूल जाता है और देखा छेद होते हैं ब्रेड में, क्यों होते हैं, बिकॉज वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकली होती है और जो ब्रेड है वो स्पॉन्जी हो जाती है। कमर्शियल बेकरी इंडस्ट्री में कंप्रेस्ड ईस्ट पाउडर का यूज किया जाता है, ये ड्राई फॉर्म में, ग्रैनुलर फॉर्म में हमारे डोमेस्टिक यूज के लिए भी आती है। कमर्शियल फॉर्म में बात करें तो ईस्ट के अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स की प्रेजेंस होती है, जो कहीं ना कहीं हम ब्रेड खाते हैं ना, मम्मी कहती है ब्रेड खा लो ठीक है अच्छा लगेगा, मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, एनर्जी मिलेगी। क्यों कहती है, क्योंकि इसमें ईस्ट पाउडर मिला जाता है एंड ईस्ट कंटेन कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर जो ईस्ट है, ठीक, ईस्ट और ब्रेड, जो ईस्ट पाउडर ब्रेड बनाने के लिए तो काम आया, इसके अलावा विनेगर, सोया सॉस, अजीनोमोटो, ये भी हम लोगों के जो चाइनीज फूड हैं जो हम लोग आजकल प्रेजेंट टाइमिंग पर खाते हैं, लॉट्स ऑफ खाते हैं, इनमें भी हम लोगों के ईस्ट की प्रेजेंस होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर विनेगर का प्रोडक्शन, विनेगर तो सब लोग जानते हैं। ठीक, देखिए विनेगर इज यूज इन ईच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड टू इम्पार्ट सो टेस्ट टू फूड मटेरियल्स एंड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल्स, सॉस, केचप, चटनी एंड केमिकली विनेगर इज 4% एसिटिक एसिड। सेम फर्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ से आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट यही बन जाता है, केमिकली विनेगर इज अ 4% एसिटिक एसिड, फॉर्मूला हो जाता है CH3COOH। और हमारे जो विनेगर है, विनेगर का यूज यहाँ पर जो एक तो जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें खट्टापन लाने के लिए यूज किया जाता है, जैसे नूडल्स वगैरह में सब लोगों ने खाए भी होंगे, पिकल, सोया सॉस, चटनी, इन सब में भी यूज किया जाता है। एक तो सोर इम्पार्ट करती है, खट्टापन लाती है और प्रिजर्वेशन का भी काम करती है। यहाँ पर जो इथेनॉल जो कि एक तरह का एल्कोहल है, ये हमारे फ्रूट जूस, मैपल सीरप, शुगर पॉलिसेस, स्टार्च ऑफ द रूट्स, इन सब में एड किया जाता है। और ये किससे बनता है, ये हमारे सीस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस से बनता है, क्योंकि भाई ईस्ट ने फर्मेंटेशन प्रोसेस करी, फर्मेंटेशन के टाइम पे दो प्रोडक्ट बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल, और इस इथेनॉल का यूज हम डिफरेंट कंपाउंड्स में यूज करते हैं। इसके अलावा हम लोगों के जैसे काफी सारे बैक्टीरिया के मिक्सचर है, एसिटोबैक्टर, ग्लूकोनोबैक्टर, ये हम लोगों के इथेनॉल के साथ मिक्स किए जाते हैं टू फॉर माइक्रोबियल डिग्रेडेशन, जैसे कहीं पर माइक्रोब्स की प्रेजेंस ज्यादा है, ठीक है, जैसे आजकल कोरोना चल रहा है ना, कितने सारे माइक्रो वायरस फैले हुए हैं, तो खैर उसमें नहीं काम आता, मैं बस बता रही हूँ, हमारे आसपास बहुत सारे माइक्रोब डिग्रेड प्रेजेंट है, यहाँ हाथ में होंगे मुझे नहीं दिख रहे, लैपटॉप है, पैन है, सब कुछ है, बहुत सारे होंगे मुझे नहीं दिख रहे। तो यहाँ पर एसिटोबैक्टर और ग्लूकोबैक्टर बैक्टीरिया को अगर हम इथेनॉल के साथ मिक्स करें, स्प्रे करते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं डिग्रेड हो जाएंगे, मर जाएंगे, राइट। सेम एज इट इज एसिडिक एसिड एंड अदर बाय प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड थ्रू इट, एसिडिक एसिड इज सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर बाय रेयर इन्फेक्शन। जब हम लोग एसिटोबैक्टर और ग्लूकोनोबैक्टर को इथेनॉल के साथ मिक्स करते हैं तो माइक्रोब का डिग्रेडेशन तो करता ही करता है, इसके अलावा ना काफी सारे उसमें प्रोडक्ट्स भी फॉर्म होते हैं, रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट्स भी होंगे, जिसमें से एक प्रोडक्ट होता है एसिडिक एसिड, और भी प्रोडक्ट्स होते हैं, उसको हम रेयर इन्फेक्शन मेथड से इससे अलग करते हैं। और एसिडिक एसिड का यूज तो आप लोग जानते हैं, हर जगह हम लोग करते ही रहते हैं। एसिडिक एसिड इज ब्लीच विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनेट। अब एसिडिक एसिड को जो हमने उससे सेपरेट किया तो उसमें कुछ ना कुछ भाई मिक्स भी रहता है, तो एसिडिक एसिड को सारी चीज़ों से अलग करने के लिए जो भी उसमें गंदगी वंदगी जो भी आ गई है आफ्टर प्रोडक्ट, तो उसको पोटेशियम फेरोसाइनेट से ब्लीच करते हैं, पेस्टराइज करते हैं, उबालते हैं, ठीक,
देन इसके बाद उसमें कार्बन सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड मिक्स करते हैं और इससे हमें विनेगर का प्रोडक्शन विनेगर मिल जाता है। जैसे हम लोग बात करें सोया सॉस, ये भी हम लोगों के जो वीट और राइस का फ्लोर होता है उसके मिक्सचर से मिलता है, उसमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है। हाँ, सोयाबीन को खाने गए, सोयाबीन राइस और वीट के फ्लोर को मिक्स किया जाता है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, सोया सॉस हमें मिल जाती है। और इसमें जो बैक्टीरिया सॉरी फंगस का यूज होता है वो है एस्परगिलस ऑर्जाइन। इसमें कौन सी फंगस यूज होती है? एस्परगिलस ऑर्जाइन। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा सोया सॉस कैसे प्रोड्यूस की जाती है, कौन कौन से फ्लोर से? वीट राइस और सोयाबीन। और इसमें कौन सी फंगस यूज होती है? एस्परगिलस ऑर्जाइन। ये आप लोगों का कटाई वाली टेबल फुली विच, इसमें आप लोगों को कुछ नहीं पढ़ना। नेक्स्ट आते हैं हम लोगों के माइक्रोबियल एंजाइम्स। अभी तो हम लोगों ने डायरेक्ट माइक्रोब्स पढ़े, ठीक है, माइक्रोब्स में बैक्टीरिया फंगस वगैरह जो चीज भी हम लोगों ने पढ़ी। अब हम यहाँ पढ़ेंगे माइक्रोबियल एंजाइम्स का, यानी कि माइक्रोब्स के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो भी कहीं हद तक हम लोगों के यूज होते हैं इन मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। सी, इंस्टीड ऑफ केमिकल कैटलिस्ट माइक्रोबियल एंजाइम्स आर यूज्ड इन केमिकल इंडस्ट्री। देखिए, पहले केमिकल इंडस्ट्रीज में केमिकल को बनाने के लिए यूज करते थे केमिकल कैटलिस्ट, बट उसका बहुत ही ज्यादा एक हार्मफुल इफेक्ट होता था। जब केमिकल कैटलिस्ट है उसको बर्न किया जाएगा, उसके साथ कोई रिएक्शन करी जाएगी, तो उसके साथ हार्मफुल प्रोडक्ट्स बनते थे। इसीलिए केमिकल इंडस्ट्रीज ने केमिकल कैटलिस्ट को छोड़ के माइक्रोबियल एंजाइम्स में मूव ऑन कर दिया। दीज एंजाइम्स आर एक्टिव एट लो टेम्परेचर पीएच प्रेशर ड्यू टू विच एनर्जी सेफ एंड इरोजन प्रूफ इंस्ट्रूमेंट आर ऑल्सो नॉट नेसेसरी। एंजाइम्स जो कि लो टेम्परेचर भी एक्टिव होते हैं, ठीक है, लो पीएच होता है, लो प्रेशर रहता है और एनर्जी सेव करते हैं, इनके लिए कोई भी इरोजन प्रूफ इंस्ट्रूमेंट चाहिए ही नहीं, कुछ भी नहीं। एंजाइम्स वही जिसके साथ मिक्स हो जाएंगे अपनी एक्टिविटी करना शुरू कर देंगे, अपनी खुद की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। इनको प्रोसेस परफॉर्म करवाने के लिए किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत ही नहीं, देखो कितना एनर्जी सेव कर रहे हैं, राइट। हैंस अननेसेसरी बाय प्रोडक्ट्स आर नॉट फॉर्म। इसके अलावा केमिकल कैटलिस्ट में अननेसेसरी प्रोडक्ट्स हो रहे थे लेकिन यहाँ पर नहीं होते हैं, जिस चीज की जरूरत है सिर्फ वही प्रोड्यूस्ड हो रहा है। दैट मीन आप देख रहे हो प्योरिफिकेशन हम लोगों को कितना मिल रहा है। सो इन केस ऑफ माइक्रोबियल एंजाइमेटिक रिएक्शन एलिमिनेशन डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट मटेरियल इज अवॉइडेड एंड एंजाइम्स कैन बी रीयूज्ड। इसके अलावा जब एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं, एलिमिनेशन होता है, वेस्ट मटेरियल का डिकम्पोजिशन होता है, हम इन सब चीज से बच गए, हम लोग इन सब चीज से बच गए। एंजाइमेटिक रिएक्शन में कोई एलिमिनेशन नहीं होता कि इसको एलिमिनेट करना है, नहीं, जो चीज चाहिए वही बनेगा, वेस्ट मटेरियल कुछ बनता ही नहीं है और एंजाइम को हम अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं। सो दे आर कॉल्ड इको फ्रेंडली। जैसे कि कुछ एंजाइम्स के नाम लिखे हुए हैं, ऑक्सीजो रिडक्टेज ट्रांसफरेज हाइड्रोलेज लाइसेज आइसोमरेज लिगेसेस, राइट। प्रोसेस ऑफ डट रिमूवल अकर्स एट लो टेम्परेचर ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ एंजाइम विद डिटर्जेंट। डिटर्जेंट्स हम लोग यूज करते हैं घर पे, डिटर्जेंट्स हुए, सोप हुआ, हम लोग कपड़े साफ करने के लिए, उसमें भी एंजाइम्स का ही यूज होता है जो कि हमारे जो कपड़ों पे डर्ट वगैरह लग जाती है उसको रिमूव करने पे हेल्प करते हैं। इसके अलावा हम लोग ग्लूकोज फ्रक्टोज सिरप जब हम लोग इसको ऑब्टेन करते हैं कॉर्न फ्लोर से, इसमें भी हम लोग बैसिली और स्ट्रेप्टोमाइसिस एंजाइम्स का यूज करते हैं, फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है और हमें ग्लूकोज फ्रक्टोज सिरप मिल जाते हैं। इसके अलावा माइक्रोबियल एंजाइम्स का हम लोग चीज प्लांट एक्सट्रैक्ट टेक्सटाइल लेदर पेपर इधर अदर इंडस्ट्रीज में भी यूज्ड होते हैं। ये टेबल आप लोगों की आ रही है, ये कट नहीं है, इस टेबल को आप लोग देख लीजिए, बता देती हूँ। यहाँ पर सोर्स है, राइट, यहाँ पर माइक्रोब्स है, यहाँ पर अमीनो एसिड और यहाँ पर यूज। जैसे सोर्स है शुगर बीट मोलेसिस अमोनिया सॉल्ट, इसमें कौन सा हम लोग माइक्रोब यूज करते हैं? बैरिवी बैक्टेरियम क्राइनोबैक्टेरियम। कौन सा अमीनो एसिड होता है? एल्ग्लूमेटिक एसिड होता है। क्या बनता है यहाँ पर? ग्लूटामेट यानी कि अजीनोमोटो बनता है, प्रोडक्शन हो जाता है। सेम एज इट इज शुगर मोलेसिस सॉल्ट की बात करें, माइक्रोब यूज करते हैं एस्परगिलस निगर सिट्रिक एसिड अमीनो एसिड होता है और प्रोडक्शन होता है ड्रिंक और कॉफीज एंड चॉकलेट्स का। नेक्स्ट है ग्लूकोज कॉर्न स्ट्रिप लिक्वर है, उसमें ऐड हम लोगों ने किया एस्परगिलस निगर ग्लूकोनिक एसिड है, प्रोडक्शन हो जाता है यहाँ पर सप्लीमेंट ऑफ कैल्शियम और आयरन का, टेबलेट्स आती है ना उनका। यही बात करें मोलेसिस कॉर्न स्ट्रिप लिक्वर की, इसके अंदर जो माइक्रोब है वो है लैक्टोबैसिलस डायग्लुटेनिक लैक्टिक एसिड की प्रेजेंस होती है और यहाँ पर नाइट्रोजन और काफी सारे विटामिन का प्रोडक्शन होता है।
एक हेमोलिसिस कॉन्स्टेंट लिक्वर में अगर हम लोग एस्प्रिगलिस आइटोकॉनिक्स बताएं तो आइटोकॉनिक एसिड होगा, प्रोडक्शन होता है पेपर टेक्सटाइल प्लास्टिक इंडस्ट्री का एंड गम प्रोडक्शन का। हो सकता है आप लोगों के एग्जाम में आता है, तो ये तो आप करके जाएगा, ये आप लोगों के रिड्यूस पार्ट में नहीं है। चलिए नेक्स्ट आता है आप लोगों का यहाँ पर एक यहाँ पर ये बोला गया है कि जो जैंथन गम है, जो जैंथन गम है जो आइसक्रीम पुडिंग चॉकलेट मिल्कशेक चॉकलेट ड्रिंक इंस्टेंट सूप्स होते हैं ना, इसमें थिकनेस इम्पार्ट करती है। देखो ये पहले बात तो ये ऑब्टेन कहाँ से होती है, दिस गम इज ऑब्टेन बाय फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च एंड मोलेसिस विद द हेल्प ऑफ ज़ैंथोमोनस स्पीसीज। इसमें स्टार्च और मोलेसिस जो उसका फ्लोर होता है उसको लेते हैं, मिक्स करते हैं, फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है। फर्मेंटेशन प्रोसेस कराने के लिए हम लोग इसमें ज़ैंथोमोनस स्पीसीज का यूज करते हैं जिससे हमारे गम का प्रोडक्शन होता है। और इसके अंदर काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टीज है हॉट कोल्ड वाटर और हाई डेंसिटी में सॉल्यूबल होने की। इसके अलावा इसका यूज हम लोग पिगमेंट फर्टिलाइजर वीडिसाइड्स टेक्सटाइल पिगमेंट टूथपेस्ट हाई क्वालिटी पेपर बनाने के लिए भी करते हैं। ज़ैंथोमोनस स्पीसीज की बात कर रही हूँ, गम की बात नहीं कर रही, गम तो ना हर किसी में यूज कर लोगे, स्पीसीज की बात कर रही हूँ कि इसका यूज कहाँ कहाँ पर है। एक ये वाला आप लोग की ये टेबल अवेलेबल है, दैट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक यहाँ पर लिखा हुआ है सब्सटेंस ऑब्टेन बाय माइक्रोबियल प्रोसेसिंग, आप लोगों की जो जो सब्सटेंस है जो कि माइक्रोबियल प्रोसेसिंग से प्रोड्यूस्ड होते हैं, राइट, और उनका रोल क्या क्या होता है। ओके, इनके हम रोल की बात करते हैं। सबसे पहले है यहाँ पर सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड और लैक्टिक एसिड का एसिडिटी प्रोवाइड करते हैं। ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन, ट्रिप्टोफोन की बात करें प्रोटीन बाइंडिंग में हेल्प करते हैं। नियाशीन, नेटामाइसिन की बात करें माइक्रोबियल रेजिस्टर है। एस्कॉर्बिक एसिड में विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन 2 एज अ एंटी टॉक्सिनेंट और विटामिन की तरह काम करते हैं। बीटा कैरोटीन, लाइकोपीन, ज़ैंथिनेस ल्यूटेन एडिबल कलर्स हैं। पॉलीसैक्राइड, ग्लाइकोलिपिड्स एमल्सीफायर्स हैं। वेनिलिन, इथाइल ब्यूटाइट, पेपरमेंट फ्लेवर एसेंस ऑफ वेरियस फ्रूट्स एंड फ्लावर, दीज आर द एसेंस। ज़ाइलिटोल एंड एस्पार्टम, ये एज अ आर्टिफिशियल स्वीटनर हम लोग यूज करते हैं। क्लियर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था आप लोगों का, ये मैंने बता दिया। देखिए नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पर मूव करते हैं आप लोगों के एंटीबायोटिक। डेली में आप लोगों ने सुना भी होगा एंटीबायोटिक्स के बारे में। एंटीबायोटिक्स में क्या है, एंटीबायोटिक्स ये है क्या, एंटीबायोटिक्स यहाँ पे एक तरीके से जो कि बैक्टीरिया और डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया और फंजाई से बनाई जाती है। मार्केट में आप जानते हो काफ़ी सारी एंटीबायोटिक्स आती हैं, जैसे कि पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन, मोनोबैक्टम, बाइट्रिशिन, एराइथ्रोमाइसिन, जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, विनोसाइन, अरे बहुत सारी है भाई, कितना कितना करोगे। ठीक, ये हम लोगों के दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये कहीं ना कहीं उनके इफेक्ट को और जितनी भी चीज़ें उनको कम करने की कोशिश करती है। हमें कोई कोल्ड हो गया तो एंटीबायोटिक लेते हैं, बुखार आ गया तो एंटीबायोटिक लेते हैं, कुछ और हो गया तो एंटीबायोटिक है, जैसे ट्यूबर ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, टीबी हो जाता है, तो इसमें कौन सी एंटीबायोटिक यूज करते हैं, राइफामाइसिन। यहाँ से पता है क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, मैं वो भी बता देती हूँ। यहाँ से दो तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, पहला क्वेश्चन 1 मार्क्स का, ट्यूबरक्लोसिस के लिए कौन सी एंटीबायोटिक यूज होती है, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन बनेगा आप लोगों के एंटीबायोटिक्स के नाम लिखने के लिए आ जाएंगे कि दो एंटीबायोटिक्स के नाम लिख दो, तीन एंटीबायोटिक्स के नाम लिख दो, तो वो आप याद करके चले जाना। आप लोगों को जो एंटीबायोटिक्स के नाम याद हो लिखाना, दो तीन जितने भी, बस। इसके अलावा यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, बाकी पूरा छोड़ दीजिए पार्ट। उसके बाद आते हैं यहाँ पर माइक्रोब्स और फ्यूल वाला, यहाँ से आप लोगों को डिटेल में नहीं आएगा, यहाँ से आप लोगों के 1 और 2 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। कैसे बनेंगे मैं बताती हूँ। जैसे यहाँ पर गैसियस फ्यूल है, यहाँ पर मिथेन, मिथाइल मिथेन जो कि एक एनारोबिक माइक्रोबियल एंड एरोबिक रिएक्शन करता है, और यहाँ पर जो अर्बन एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको डिकम्पोज करने में हेल्प करता है। 1 क्वेश्चन हो गया 1 मार्क का। अब यहाँ पे इथेनॉल जो कि एक एल्कोहल है, ये एक स्मोकलेस फ्यूल है जो कि हम लोगों के जो हम लोगों की ईस्ट सेक्रोमाइसिस होती है उसको मोलिसिस के साथ फर्मेंट किया जाता है, उस टाइमिंग पर ये बनता है, स्मोकलेस फ्यूल है। हम अपने गाड़ी में यूज करेंगे, धुआं निकलता है, ये नहीं निकलता, स्मोकलेस फ्यूल है। 2nd क्वेश्चन 2 मार्क्स का। हाइड्रोजन जो कि फ्यूल ऑफ फ्यूचर कहा जाता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, क्योंकि हाइड्रोजन गैस हम लोगों के फोटो रिलीज ड्यूरिंग
बायोफोटोलिसिस ऑफ वाटर इन विच बैक्टीरिया परफॉर्म द फोटो रिडक्शन। क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों के क्या पूछ लेंगे कि हाइड्रोजन गैस कब रिलीज होती है, तो जब हम लोग यहाँ पर बैक्टीरिया का फोटो रिडक्शन कराते हैं राइट, तो बायोफोटोलिसिस होता है उस टाइमिंग पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इसके अलावा यहाँ पर काफी सारे एल्कोहल्स हैं, एसीटोन है, ऑर्गेनिक एसिड, फैटी एसिड, पॉलीसेक्राइड्स, जो कि हमारे केमिकल इंडस्ट्रीज में ऐसा रॉ मटेरियल यूज किए जाते हैं। बस इतना पूछेंगे 2 मार्क्स में कि केमिकल इंडस्ट्रीज में एज अ रॉ मटेरियल क्या यूज किया जाता है। एल्कोहल, एसीटोन, ऑर्गेनिक एसिड, फैटी एसिड, पॉलीसेक्राइड्स, नाम जितने याद है उतना अच्छा लगा। नेक्स्ट आप लोगों का आता है यहाँ पर बायोफ्यूल। बायोफ्यूल में दैट इज कि एक ऐसा फ्यूल जो कि हम लोगों का विदाउट वेस्ट को प्रोड्यूस करें, हम लोग अपने यूज करें और रिन्यूएबल भी हो, ये होता है बायोफ्यूल। लिखा भी हुआ है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ गुड एनर्जी। बायोफ्यूल क्या है? एक रिन्यूएबल सोर्स का, गुड एनर्जी का मतलब जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है उसका काफी अच्छा सोर्स है, जो कि हमारे कोल, डंग, क्रॉप रेजिड्यू, वेजिटेबल ऑयल, एल्कोहल, गोबर गैस, कोल गैस, हर किसी फॉर्म में प्रेजेंट होता है और हो सकता है आने वाले टाइम में ये हमारा फ्यूचर फ्यूल भी बन जाए। देखो इसमें हुआ क्या, मैं डायग्राम से डायरेक्ट समझा देती हूँ, बाकी का आप लोगों को इसमें कोई थ्योरी व्योरी नहीं आएगी, हो सकता है सिर्फ डायग्राम बनाने के लिए आ जाए। होता क्या है ये देख लीजिए, सबसे पहले हम लोगों के यहाँ पर होते हैं प्लांट्स, होते हैं प्लांट्स हमारे सोलर एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इसके अलावा क्लोरोफिल वगैरह का यूज करके कौन सी प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, फोटोसिंथेसिस की। जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म करी तो इसके अंदर क्या प्रोडक्ट बना, ग्लूकोज बना। ठीक, अब ग्लूकोज ये पेड़ वगैरह काटेंगे, लीव्स वगैरह लेंगे, ठीक, अब इस ग्लूकोज को ले जाएंगे इंडस्ट्रीज में, लेके गए इंडस्ट्रीज से बहुत सारी चीजों को बनाया जाएगा। इंडस्ट्रीज से जैसे सेलुलोज मिला, सेलुलोज मिला ना, सेलुलोज मिलता है क्योंकि जो प्लांट होते हैं प्लांट के अंदर सेलुलोज है, ग्लूकोज है, सब कुछ है, तो यहाँ पर सेलुलोज मिला, सेलुलोज को थ्रेशिंग करा गया, बहुत सारी चीजें यहाँ पर हुई। अच्छा सॉरी मैंने थोड़ा सा उल्टा बता दिया, मैं दोबारा से बता देती हूँ। देखो यहाँ पर क्या किया, पेड़ को काटा गया, ठीक, इसकी थ्रेशिंग करी गई, उसके टाइमिंग पर हमें सेलुलोज ग्लूकोज वगैरह उससे मिला, इंडस्ट्रीज में उस सेलुलोज ग्लूकोज को लेके गए, वहां से शुगर का प्रोडक्शन किया। अब उस शुगर को हम लोग बहुत सारे जो फंगस और बैक्टीरिया हैं उसके साथ मिक्स करके काफ़ी सारी चीज़ों का प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करते हैं। जब प्रोडक्शन करते हैं तो भाई काफ़ी सारी चीज़ भी रिलीज होती हैं, तो फिर वहां पर जैसे हम लोगों ने इथेनॉल का प्रोडक्शन किया, तो इथेनॉल का यूज हम लोग क्या है, व्हीकल्स में कर सकते हैं। व्हीकल्स में जब हम लोग इथेनॉल का प्रोडक्शन यूज करेंगे तो कोई वेस्ट मटेरियल रिलीज नहीं करेगा, बस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरमेंट में रिलीज हो जाएगी, फिर दोबारा से प्लांट यूज करेंगे, फिर अगेन वही प्रोसेस, ये होता है बायोफ्यूल प्रोडक्शन। यहाँ पर कोई भी वेस्ट चीज का वेस्ट प्रोडक्शन नहीं हुआ। अब हम लोग के कुछ माइक्रोब्स को सुन के एंजाइम्स ऐसे भी हैं जो हम लोगों के माइक्रोबियल पॉल्यूशन कंट्रोल में भी हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। अब देखो होते क्या हैं, जैसे हम लोगों को पता है कि प्रेजेंट टाइमिंग पर हमारे एनवायरनमेंट में इतना पॉल्यूशन हो चुका है, इतना ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है कि बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बीमारियां हैं वो क्रिएट हो चुकी है। कोविड से बड़ी बीमारी क्या बताऊँ मैं, है इससे बड़ी कोई बीमारी है, बाय द वे इसमें कुछ नहीं आएगा। माइक्रोबियल पोल्यूशन कंट्रोल में आप लोगों को कुछ भी 1 वर्ड 3 मार्क्स कुछ नहीं आएगा, कुछ है ही नहीं। इसमें क्या लिखा है पता है, मैं बताती हूँ, इसमें ये लिखा है कि सिटीज आजकल इतनी ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड हो गई हैं, स्पेशली कंट्री इंडिया, ठीक, जो हमारे इतना ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है कि हम लोग की नई नई तरीके की बीमारियां फैल रही है, हमारा इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, डिजीजेस बीमारियां बढ़ रही हैं, तो हम लोगों को अगर माइक्रोब्स का यूज करके अगर हम इन्वायरमेंट को थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर सकें, उसके सॉलिड वेस्ट को थोड़ा सा मैनेज कर सकें, कंपोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा बना सकें, तो ये हम लोग पॉल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं। मेन जो आएगा वो यहाँ से आएगा, लैंडफिलिंग साइट से बच्चा, यहाँ से आपका कुछ भी लिखने के लिए नहीं आएगा। तो मेन आप लोग यहाँ फोकस कीजिए लैंडफिलिंग साइट। देखो लैंडफिलिंग साइट में होता क्या है, पहले मैं डायग्राम से बता देती हूँ फिर थ्योरी भी आप लोगों को बताती जाएगी। देखो लैंडफिलिंग क्या हुआ, लैंडफिलिंग में क्या करते हैं, जैसे आउट ऑफ द सिटी या आउट ऑफ द थोड़ा सा एक खुला एरिया होता है, वहां पर जमीन के अंदर बहुत बड़ा गड्ढा करते हैं, आप देखो बहुत बड़ा गड्ढा यहाँ पर कर दिया, फिर जो पूरे शहर का जो कूड़ा वगैरह है यहाँ पर इकट्ठा अंदर डाल दिया जाता है, ये पूरा आप देख लो पूरा अंदर का अंदर डाल दिया। अब इसमें आप लोगों को 2 होल्स दिखाई दे रहे होंगे,
एक ये वाला होल दिखाई दे रहा होगा और एक इधर की साइड से दिखा रहा होगा, ठीक है। ये पूरा क्या किया, ये पूरा कूड़ा कूड़ा यहाँ पर सारा कचरा यहाँ डाल दिया। अब यहाँ कचरा हम लोग डाल देंगे तो ऑब्वियसली बात है एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेगा, और यहाँ बीच में जो पाइप दिया हुआ है जब वो बहुत सारे कचरा बहुत सारा वेस्ट वगैरह होगा एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे, जो भी उसमें चीज होंगी बैक्टीरिया एंजाइम्स एवरीथिंग। कौन सी गैस रिलीज होती है, मीथेन गैस रिलीज होती है। और हाँ, जब कूड़ा डालो ना तो सॉइल से ऊपर कवर कर देना, खुला मत छोड़ देना, बदबू आएगी। तो मीथेन गैस रिलीज होती है। इसके अलावा यहाँ पर मीथेन गैस रिलीज हो गई, अब यहाँ पर जो कूड़ा वगैरह बचा थोड़ा सा जो कंपोस्ट बन गया, ठीक है, बहुत सारा वेस्ट होता है जो कंपोस्ट बन जाता है, नहीं बनता तो नहीं बनता, जो कंपोस्ट बन गया उसको यहाँ पर लाया जाता है, उसको पूरा साफ वगैरह किया जाता है एंड देन फिर उसको एग्रीकल्चर में यूज करते है। ये होती है लैंडफिलिंग साइट, ठीक है। जब ये पूरा एरिया भर जाता है, इसके ऊपर मार्केट, इसके अलावा घर, बिल्डिंग्स, कॉम्प्लेक्स, मॉल्स, रेलवे स्टेशन, पता नहीं क्या क्या बना देते हैं, हमें पता ही नहीं रहता कि हम कहाँ खड़े हैं, हम ऐसा तो नहीं लैंडफिलिंग साइट्स पर खड़े हुए हैं। तो कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है दैट लार्ज पिट्स आर डग इन ओपन स्पेसेस फार अवे फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरिया, ठीक है। वहां पर जितनी भी चीजें हैं टॉक्सिक हार्मफुल मटेरियल सब उसमें डाल दिए जाते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पर उसको पूरी तरीके से सॉइल से कवर्ड कर दिया जाता है, ऊपर लीफी वेस्ट, बायोकेमिकल सब कुछ डाल दिया जाता है, कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है। माइक्रोब्स वहाँ के सॉइल के जो भी होते हैं उस वेस्ट को डिकम्पोज करना स्टार्ट करते हैं, जिसमें से मीथेन गैस निकलती है और जो स्लरी मतलब जो हम लोगों का ऐसा वेस्ट जो मेन्योर में कन्वर्ट हो गया है उसको हम लोग जो मेन्योर कंपोस्ट में कन्वर्ट हो गया है उसको हम अपने जो एग्रीकल्चर है वहाँ यूज कर सकते हैं। एक होता है यहाँ पर सीवेज मैनेजमेंट वाला, सीवेज मैनेजमेंट भी देख लीजिए। देखिए विलेज और डोमेस्टिक जो सीवेज है ये डिस्पोज्ड करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। डायग्राम अवेलेबल नहीं है, डायग्राम की डायरेक्ट समझा देती। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर भी वही चीज़ करी जाती है, काफ़ी बड़ा एक बड़ा एरिया लेते हैं, उसमें सारे जितने भी सीवेज वगैरह चीज़ें हैं विलेज का हो डोमेस्टिक हो उसमें डाल दिया जाता है, माइक्रोब्स डाल दिए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे, सीवेज अगर खुले में पड़ा है तो बहुत सारी बीमारियां फैला सकता है, कोलेरा, टाइफाइड, बहुत सारी चीजें हैं। अब यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने, बड़े से गड्ढे में वो सीवेज को डाल दिया। जब उसमें रिएक्शन होगी, जो बैक्टीरिया माइक्रोब्स होंगे रिएक्शन करेंगे, दो चीजों को रिलीज करेंगे, मिथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। जब सीवेज क्या है डिकम्पोज होगा ड्यू टू सॉइल माइक्रोब्स, तो दो चीज को रिलीज करेंगे, मिथेन को और कार्बन डाइऑक्साइड को। स्पेशली यहाँ पर फिनोल ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, राइट, डिकम्पोज द ज़ेनोबायोटिक केमिकल प्रेजेंट इन द सीवेज। हम लोग के इस सीवेज में जो केमिकल होता है ज़ेनोबायोटिक केमिकल, उसको डिकम्पोज करने के लिए जो बैक्टीरिया यूज होता है फिनोल ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, यहाँ से हो सकता है वन मिनट का क्वेश्चन पूछ लें, वो मैंने बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है, जो स्लज वगैरह होगा वो सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है, और उसको एज अ फर्टिलाइजर, स्लज मतलब वही आप कंपोस्ट और मैन्योर की फॉर्म में ले सकते हो, उसको हम लोग अपना क्या करते हैं एग्रीकल्चर में अगेन यूज कर सकते हैं। एक है आप लोगों का क्लीन टेक्नोलॉजी वाला, क्लीन टेक्नोलॉजी में भी काफी हम लोग माइक्रोब्स का यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए एज वी कैन सी दैट एयर सॉइल लैंड वाटर पॉल्यूशन हम इनकी इनको कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू माइक्रोब्स से, क्योंकि माइक्रोब्स के अंदर खुद की अपनी एक नेचुरल एबिलिटी होती है कि जितने भी मैनमेड केमिकल्स हैं उनको डिकम्पोज कर सकें, जिसमें से हाइड्रोकार्बन्स और अदर केमिकल्स हैं इनमें सबसे ज्यादा एबिलिटी है कि मैन मेड केमिकल्स को इजीली डिकम्पोज कर सकें। जैसे कि कुछ माइक्रोब्स हैं फ्यूज में से सल्फर को रिलीज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, सल्फर इज वेरी हार्मफुल। जैसे कि हम लोगों का कॉपर, आयरन, यूरेनियम, जिंक है, एक्सेट्रा लीच इनटू एनवायरनमेंट फ्रॉम लो क्वालिटी मेटालॉइड्स, जो हम लोग के मेटालॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं, these are converted into compound before leaching with the help of theobacilli and sulfobacilli. इन कंपाउंड्स को कन्वर्ट किया जाता है लीचिंग से पहले, और कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर थियोबैसिली और सल्फोबैसिली बैक्टीरिया का यूज करते हैं। एक होता है स्पिलिंग ऑफ पेट्रोलियम ऑयल, सुना भी होगा कि जब बड़े बड़े जो शिप्स हैं यहाँ पर बड़े बड़े जो शिप्स हैं वो बहुत सारी चीज़ों को एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफर करते हैं, कंट्री टू कंट्री, जिसमें पेट्रोल ऑयल बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कभी कभी क्या होता है यहाँ पर कि ड्यू टू एनी कंडीशन
और ब्रेकेज जो पेट्रोल ऑयल जो शिप वगैरह ट्रांसफर करते हैं वो पूरा सी में फैल जाता, ओशन में फैल जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के टॉक्सिक उनके बॉडी में जाना शुरू हो जाता है। तो अब उस पूरे ऑयल को उस पूरे पानी में से हटाना, इट्स वेरी टिपिकल टास्क, बहुत टिपिकल है। ऐसी कंडीशन में एक उन्होंने एक मेथड निकाला, बोला कि अगर हम लोग यहाँ पर स्यूडोमोनस सैप और एल्गिनोवेरस बर्कनेस बैक्टीरिया का यूज करें, इनके अंदर एबिलिटी होती है कि जो पायराडाइन्स या अदर केमिकल्स होते हैं पेट्रोलियम ऑयल के अंदर उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय करने की, यानी कि जो केमिकल्स है ना पायराडाइन्स और अदर जितने भी हैं पेट्रोलियम ऑयल के अंदर, यही तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को पूरा तरीके से टॉक्सिक और सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन स्यूडोमोनस सैप एल्गिनोवेरस बर्कनेसिस इन बैक्टीरिया के अंदर खुद की एबिलिटी है कि जो पेट्रोल ऑयल के अंदर ये जो केमिकल है उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दें और ओशन में जितना भी ऑयल स्पिल है उसको साफ कर देते हैं। इतनी अच्छी एबिलिटी है, तो ऑयल स्पिल साफ करना बहुत इजी हो गया है। इनको हम लोग हाइड्रोकार्बोनलिस्टिक बैक्टीरिया भी कहते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं HCB, जो कि हम लोगों के पेट्रोल और ऑयल में हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, कुछ भी होते हैं वो कार्बन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं बैक्टीरिया, और फिर उनको उन केमिकल्स को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्म में ही कन्वर्ट कर देते, तो जिससे कोई टॉक्सिक भी नहीं होता, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म भी बच जाते हैं। जैसे प्लास्टिक बॉटल्स की बात करें तो ये हम लोगों के केमिकल सब्सटेंस PET पॉलीथाइलिन टेट्रापेथिलेट पॉलिएस्टर से बनती है। यहाँ पे अगर आज के टाइमिंग पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा गार्बेज प्लास्टिक का ही फैल रहा है, लेकिन इसको क्लीन करने के लिए भी भाई बैक्टीरिया निकाल लिए। विब्रियो आइडियोनेला साइकिनेसिस ये आसानी से PET केमिकल को डिकम्पोज कर सकते हैं, इजिली सॉल्व में मिक्स कर सकते हैं, इसका भी सॉल्यूशन आ गया। इसके अलावा कुछ फंजाई की स्पीसीज हैं एसिटोमाइसिट स्ट्रेप्टोमाइसिस नेकोडिया एसिटोप्लेम्स, इसके अंदर एबिलिटी है कि जितने भी रबर के गारबेज हैं उसको डिकम्पोज कर दें सॉइल में। वाह वाह, इतने बैक्टीरिया प्रेजेंट है फिर हमें काय बात की टेंशन। इसके अलावा हम लोग यहाँ बात करें जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है जो कि हमारे एसिड रेन और अदर मटेरियल्स में प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे स्टैचू ब्रिज बिल्डिंग्स इन सबको डिस्ट्रॉय करता है, इरोज करता है, ये तो पता ही है ना। तो सल्फ्यूरिक एसिड को रिमूव या कह सकते एक तरीके से इसको डिकम्पोज करने के लिए एसिडोफाइलम सैप और एसिडोबैसिलस फेरोडॉक्सिन का यूज करते हैं, ये पूरे सल्फ्यूरिक एसिड को डिस्ट्रॉ मतलब सॉरी डिकम्पोज कर देता है, और जो सॉइल पॉल्यूशन होता है या एसिड रेन की वजह से होता है वो सबको क्या कर देता है, कंट्रोल कर देगा। सेम एज इट इज हम लोग भी बात करें वाटर सॉल्यूबल सॉल्ट्स ऑफ यूरेनियम आर प्रेजेंट इन द वेस्ट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड रिलीज्ड एनवायरनमेंट फ्रॉम एटॉमिक एनर्जी प्लांट। जैसे हम लोग काफी सारे यूरेनियम है, यूरेनियम का वेस्ट है, जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड किया जाता है या एटॉमिक एनर्जी प्लांट में कोई भी रिएक्शन होती है तो यूरेनियम क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, इनको पानी में फेंका जाएगा, ऑब्वियसली बात है यहाँ पर क्या होगी, प्रॉब्लम होगी हम लोगों को, हमारा पानी गंदा होगा। तो इससे बचने के लिए यहाँ पर एक बैक्टीरिया है जियोबैक्टर बैक्टीरिया, ये क्या करता है यूरेनियम सॉल्ट्स को, जो सॉल्ट्स होते हैं यूरेनियम के, इनको इनसॉल्युबल सॉल्ट्स में कन्वर्ट कर देता है ताकि ये पानी के साथ मिक्स ना हो। क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत कब हो रही थी कि जब ये पानी के साथ मिक्स हो रहा था पानी को गंदा कर रहा था, एक्विटिक को गंदा कर रहा था, टॉक्सिक फैला रहा था, लेकिन जियोबैक्टर ने क्या किया उसको सॉल्युबल की जगह इनसॉल्युबल बना दिया। अब ये ग्राउंड वाटर के साथ मिक्सिंग नहीं करेगा, किसी के साथ मिक्सिंग नहीं करेगा, ना एक्वेटिक लोगों को प्रॉब्लम, ना सॉइल खराब होने की प्रॉब्लम, ना किसी चीज की प्रॉब्लम। एक होते हैं आप लोग माइक्रोबियल इनकॉल्यूएंट्स इनक्यूलेंट्स, इनक्यूलेंट्स में देख लीजिए सम माइक्रोब्स कंटेनिंग इनक्यूलेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। These inoculants are sprayed on seed before sowing, and some of the inoculants are released into plant. Microbial inoculants, ये हम लोग fermentation के timing पर produced होते हैं। पहला question तो यही बन गया आप लोगों का। जब हम लोग seeds को sow करते हैं या plants को हम लोग छोटे-छोटे plantlets को लगाते हैं, उनको लगाने से पहले इसको क्या किया जाता है? Spray किया जाता है। अब इसका क्या काम होता है? Help in plant growth by supplying nutrition. एक तरीके का microbe जो inoculants के अंदर जो microbes होते हैं वो क्या करते हैं, seeds को sow करने से पहले plant के लिए लगाने से पहले इसको spray कर दिया, ये क्या कर रहे हैं उनके अंदर microbe की देती microbes की dose देती एक तरीके से। अब ये क्या करेंगे, plant growth के लिए जो भी nutrition की requirement है उसको supply करेंगे,
राइट right? और जो वेजिटेरियन फूड होता है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, जैसे कि यहाँ पर अजोटोबैक्टर और आर्टिफिशियल नाइट्रोजनीज की बात करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज होते हैं। सॉइल पोल्यूशन में जैसे हम लोग के काफी सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है, तो केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या कर रहे हैं, हमारी सॉइल को, हमारी प्लांट को कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, पॉल्यूटेड कर रहे हैं। तो इससे बचने के लिए जैसे कि एक केमिकल का नाम लिखा है फ्लोरोएसिटेमाइड लाइक केमिकल्स, ये सॉइल में मिक्स किया जाता है एज अ पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर, तो कितना ज्यादा उसको नुकसान कर रहा है, राइट, जो हमारे प्लांट, एनिमल और हमारी जो ह्यूमंस की डिसीजेस होती हैं सबको कर रहा है। सो दीज पेस्टिसाइड्स इन द सॉइल कैन बी डिस्ट्रॉयड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। इन पेस्टिसाइड्स को भी हम लोग माइक्रोब्स का यूज करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बायोइंसेक्टिसाइड्स में जैसे बैक्टीरियल हुआ, फंगल टॉक्सिन्स हुए, विच कैन, जो हमारे हम लोग पेस्ट और पैथोजेंस यूज होते हैं ना हम लोगों के, हम लोग इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट से बचने के लिए इंसेक्टिसाइड्स हम लोग यूज करते हैं, जो हमारे क्या करते हैं, हमारे प्लांट, सॉइल सबको इन्फेक्ट करते हैं, इफेक्ट करते हैं, तो क्यों ना उनकी जगह फंजाई, वायरस या बैक्टीरिया की स्पीसीज को यूज करें एज अ पेस्टिसाइड, राइट। फर्मेंटेशन की प्रोसेस होगी, इंसेक्ट अपने आप मर जाएंगे, हमें कोई भी इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड यूज करने की जरूरत पड़ी ही नहीं। तो यहाँ से हम लोग के प्लांट, एनिमल दोनों की ओर हो गए। एक यहाँ पर है दैट प्लास्टिक बैग बीइंग यूज्ड फॉर स्टोरिंग द गार्बेज इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीलैक्टिक एसिड। जो प्लास्टिक बैग है गार्बेज रखने के लिए यूज होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है पॉलीलैक्टिक एसिड का, एंड सच मटेरियल शुड बी यूज एज पर नीड ऑनली इन गवर्नमेंट। यहाँ पर जो पॉली आप लोगों ने देखा होगा पॉलीथिन कम यूज करते हैं, अब पॉलीथिन की जगह गार्बेज बैग आने लगे हैं, सिंपल यूज करिए, थ्रो कर दीजिए, नो इश्यू, राइट। और ये इम्पॉर्टेंट भी है, इससे क्या होता है यहाँ पर कि जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीलैक्टिक एसिड जो पेपर प्लास्टिक है ये इजिली हमारे सॉइल में मिक्स हो जाती है और हमारे सॉइल को भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती। क्लियर हुआ, ये था आप लोगों का पूरा माइक्रोबायोलॉजी का जितना भी रिवीजन था, जो इम्पोर्टेंट था वही मैंने कराया है, जिसमें से कोई क्वेश्चन बन नहीं सकता है उसको तो बिल्कुल अपनी तरफ से रिड्यूस कर दीजिए, ये मैं सोचे गवर्नमेंट ने रिड्यूस नहीं किया तो हम नहीं करें, अपनी तरफ से रिड्यूस कर दीजिए क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनेगा कोई भी सोर्स आप लोगों का नहीं होता। क्लियर, इसके साथ आप लोगों का जो सेवेंथ चैप्टर है वो भी रिवीजन में हो चुका है, अब आप लोगों के सिर्फ तीन चैप्टर बचे हुए हैं 8, 9 और 10। जल्दी आप लोगों के, मैं मानती हूँ इस एक हफ्ते के अंदर, 1 वीक के अंदर मैं आप लोगों के इन तीनों चैप्टर को भी जल्दी कंप्लीट करवा दूंगी। 9, 10 में कुछ नहीं है, आधे आधे घंटे के चैप्टर है, 8th वाला थोड़ा सा वेटेज वाला चैप्टर है, उसमें हो सकता है टाइम लग जाए, बट नो इशू, वी हैव टू कंप्लीट ऑल द रिवाइज्ड चैप्टर। ओके स्टूडेंट, बाकी का आप लोग अपना रिवाइज करते रहिए, टाइम टू टाइम प्रिपेयर करती रहिए चीज़ों को, और अपने थ्योरी, अपने क्वेश्चंस किस तरीके से आपको एग्जाम में लिखने आएंगे उसके लिए भी प्रिपेयर करती रहिए। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।